और सीधे आपको ले चलेंगे भाजपा मुख्यालय, जहां वरिष्ठ मंत्री केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रेस वार्ता संबोधित कर रहे हैं। ऐसे कंपनी से उन्होंने कर्जा क्यों लिया है, यह हमारा प्रश्न है। ये कर उठाया तो आज उससे बच के निकलने के लिए उन्होंने ललित मोदी का ही मुद्दा उठाया जो बासी हो चुका। हम पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस बताए कि आपके पास ऐसे जादू के फॉर्मूले कहां से आते हैं कि पहला फॉर्मूला लोगों ने देखा कि 8 करोड़ की जमीन खरीदी, 8 करोड़ की जमीन जो खरीदी उसका जो चेक दिया वो चेक बैंक में जिसने खरीद बेची उसने भराई नहीं तो कोई पैसा डेबिट नहीं हुआ, और वही जमीन का 3 महीने में लैंड यूज चेंज हो गया और 8 करोड़ में बेची जमीन उसी आदमी ने 58 करोड़ में खरीद ली तो बैठे बैठे 50 करोड़ का नफा। अरे आपके घर में अगर मिल सकता है तो देश के नौजवानों को क्यों नहीं मिलता, ये कैसा फॉर्मूला है। अब ये नया फॉर्मूला है कि एक यंग इंडियन है कंपनी, उसके लिए काला धन सफेद करने वाले कंपनी से 1 करोड़ का लोन आता है, वो वापस दिया नहीं दिया हमें पता नहीं, लेकिन कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड यानी एसोसिएटेड जर्नल को कंपनी को 90 करोड़ लोन दिया। अब राजनीतिक पार्टियां लोन थोड़ी ना देते कमर्शियल, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को इनकम टैक्स का कंसेशन मिलता है राजनीतिक व्यवहार करने के लिए, उसमें उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन दे दिया। अच्छा वो वसूल नहीं हो रहा है तो इसके लिए इसकी जिम्मेवारी इस यंग इंडियन कंपनी को दी कि जिस कंपनी ने 1 करोड़ रुपए काला धन सफेद करने वाले कंपनी से लिया और उस कंपनी ने कांग्रेस को कहा कि भाई हम जिम्मेवारी लेते हैं आपका कर्जा वसूल करके देंगे एसोसिएटेड जर्नल कंपनी से, क्योंकि नहीं हो रहा है तो हम वसूल करके देंगे, और तुरंत वो यंग इंडियन कंपनी को 90 करोड़ के शेयर अलॉट होते हैं, 9 करोड़ शेयर। ये पूरा एसोसिएटेड जर्नल कंपनी जो थी वो तुरंत यंग इंडियन की मालकी बनती है और 4-5 हजार करोड़ की जो भी संपत्ति अचल संपत्ति है उस कंपनी के वो उनकी बन जाती है। तो ये जादुई फॉर्मूले जो है कांग्रेस के पास कि 8 करोड़ में खरीदा जमीन वो 3 महीने में 58 करोड़ की हो जाती है, बैठे बैठे 50 करोड़ मिलते हैं, और 1 करोड़ लोन भी काला धन सफेद करने वाले कंपनी से लेकर, और कांग्रेस ने दिया हुआ कर्जा की जिम्मेवारी लेकर तुरंत 90 करोड़ के शेयर मिलते हैं, पूरी मालकी मिलती है और 4 हजार करोड़ की संपत्ति के आप मालिक बन जाते हैं। ये क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जरा बता। उस फॉर्मूला की चर्चा करने के बजाय आप एकदम ललित मोदी पे कहा है, वहां तो लोकसभा में है। जब अरुण जी ने और सुषमा जी ने जवाब दिया तो इनको उत्तर देने नहीं बना, सब मुंह छुपा के घूम रहे थे उस दिन, आज अचानक फिर से अचानक ललित मोदी की याद आ गई उनको। तो हम भी पूछना चाहते हैं कि आपने राइट ऑफ रेसिडेंस के बारे में जो उनको लिखने के लिए वो क्यों किया आपने, परमिशन पर्सनल लेटर क्यों दिया वित्त मंत्री ने, एक्सट्रेडिशन की क्यों नहीं किया, नॉन बेलेबल ऑफेंस का गुना क्यों नहीं रजिस्टर किया, बेलेबल वाला किया, और रेड कॉर्नर नोटिस के बजाय लाइट ब्लू कॉर्नर की नोटिस क्यों निकाली। तो ये मुद्दा ये है कि ये सवाल उनको भी मालूम है कि आपका कोई जवाब नहीं है उनके पास। थे केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो बता रहे थे कांग्रेस ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं और जिस तरह से कांग्रेस में पूरा मामला चल रहा है यंग इंडिया और नेशनल हेराल्ड से जुड़े हुए, उस पर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। आगे